श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन। एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है कि ऐ मन श्याम मिलन की बात सोच। तो श्याम मिलन की बात सोचने से क्या होगा? नंबर दो, हम उनके मिलन की बात क्यों सोचें? नंबर तीन प्रश्न, अगर हम श्याम मिलन की बात सोचते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? संक्षेप में समझिए कि हम श्याम मिलन की बात क्यों सोचें। इसलिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वसुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य मई सेवा। प्रत्येक जीव का लक्ष्य यही है कि अपने सुख की कामना न रखकर श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना। स्वसुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य मई सेवा, यही लक्ष्य उच्च रसिकों ने बताया। इसमें अगर हम कुछ काट छाट कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि भाई अपने सुख के लिए हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। हम श्री कृष्ण की सेवा तो करेंगे लेकिन अपने सुख के लिए, श्री कृष्ण के सुख के लिए नहीं तो अच्छा रहेगा ना। असली रसिक संतों का लक्ष्य यही रहता है श्री कृष्ण को सुख मिले, ऐसी हम सेवा करें। एक बार दारुक द्वारिका में श्री कृष्ण को पंखा कर रहा था। पंखा करते करते उसे कंप हुआ। सात्विक भाव जो होते हैं ना, उसमें स्वेद कंप ये सब होता है। यदि प्रेम जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो सात्विक भाव प्रकट होते हैं। तो सेवा करते हुए उसे इतना सुख मिला कि कंप हुआ, तो उसने अपने आप को धिक्कारा, उस सात्विक भाव को धिक्कारा। ये क्यों आया सात्विक भाव? मैं तो अपना सुख लेने लगा। उसे दुख हुआ कि इससे श्याम सुंदर की सेवा में बाधा पहुंची। अरे कंप होगा तो फिर पंखा ठीक से नहीं होगा ना। तो जब दारुक ने अपने आप को धिक्कारा तो श्री कृष्ण की आंखों से आनंद के आंसू आने लगे कि मेरा कितना विचित्र भक्त है कि ये अपना सुख नहीं चाहता, केवल मेरे सुख के लिए मेरी सेवा चाहता है। गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी वाष्प पूराभिवर्षिणम उच्चैर निंद दानंद मरविंद विलोचना। यानी गोपियां भी जब श्री कृष्ण की सेवा करती थी तो बस इस बात का ध्यान रखती थी कि हमारी आंखों में आनंद के आंसू भी ना आए। आनंद के आंसू आएंगे तो फिर ठीक से दिखाई नहीं देगा, आंसू भर जाएंगे तो ठीक से सेवा नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को अनादिकाल से अपने सुख को पाने की आदत है।
हम कुछ भी करते हैं तो अपने सुख के लिए ही करते हैं। आप लोग हजारों बार वेदों के द्वारा भी समझ चुके हैं, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा अरे जाया यई कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद् दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का पांचवा मंत्र, और यही मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद् में एक बार और आया। चौथे अध्याय के पांचवें ब्राह्मण का छठवां मंत्र, यानी संसार में कोई भी जीव कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए ही करता है। हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, पिता से करते हैं, सखा से करते हैं, पति से, पत्नी से, क्यों? अपने सुख के लिए। अगर पूछा जाए कि भाई तुम उससे प्यार क्यों करते हो, तो आपको चुप रहना पड़ेगा, और अगर आप बोलेंगे, सही बोलेंगे, तो यही बोलेंगे कि अपने सुख के लिए। लेकिन अगर आप माता पिता को बता दें कि हम तो अपने सुख के लिए आपसे प्यार करते हैं, तो वो क्या कहेंगे? तुम बड़े स्वार्थी हो, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन फैक्ट यही है कि मनुष्य कुछ भी करता है तो केवल अपने सुख के लिए ही करता है, और ये जो हमारा स्वभाव है, यही गुरु शरणागति में बाधा पहुंचा रहा है, यही भगवान की उपासना में बाधा पहुंचा रहा है। हम लोग गुरु की शरणागति में फेल हुए, भगवान की उपासना में फेल हुए, क्यों? ये जो हमारा स्वभाव है कि अपने सुख के लिए हम कुछ भी करते हैं, इसके कारण।